सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें, जेडीयू से अलग होने पर प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। पहली बार जेडीयू से अलग होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नीतीश ने मुझे अपने बेटे की तरह रखा है, मुझे जेडीयू में रखना ना रखना ये उनका अधिकार है, मैं उनके फैसले पर सवाल नहीं उठाऊंगा। तो प्रशांत किशोर ने पहली बार यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेडीयू से निकाले जाने के बाद। और अगर बात की जाए व्यक्तिगत तौर पर, तो व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार को अपने पिता जैसा बताया, पिता समान बताया, लेकिन जब वैचारिक मतभेद की बात आई तो अपने और नीतीश कुमार के वैचारिक मतभेद को खुलकर दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि गांधी और गोडसे साथ नहीं चल सकते हैं, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश गोडसे की विचारधारा के साथ है। हालांकि उन्होंने इस चीज को साफ किया कि वैचारिक मतभेद है सिर्फ नीतीश कुमार से। जो मेरा संबंध है उसको लेकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नीतीश जी से जो मेरा संबंध अभी तक रहा है वो विशुद्ध राजनीतिक संबंध नहीं रहा है। 2014 नवंबर में दिल्ली में पहली बार मैं और नीतीश जी मिले थे, उसके बाद से नीतीश जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्नेह से मुझे रखा है। जो लोग मुझे जानते हैं, नीतीश जी को जानते हैं, जिन्होंने देखा है हमारे संबंधों को, वो कई लोग ये बात आपको कंफर्म करेंगे कि उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा ही रखा है। जब मैं उनके दल में था तब भी, और जब दल में नहीं था उससे पहले उनके साथ काम कर रहा था तब भी, और कई मायनों में मैं भी उनको अपना पितातुल्य ही मानता हूँ। इसलिए नीतीश जी ने जो भी डिसीजन लिया है मुझे पार्टी में शामिल कराने का, उसके बाद पार्टी से निकालने का, उनकी सारे फैसलों को मैं सहृदय स्वीकार करता हूं और उस पर किसी भी तरह का कोई विवाद या टीका टिप्पणी अभी भी नहीं करना चाहता हूं और आगे भी नहीं करना चाहता हूं। इसके दो कारण रहे हैं और ये कारण पिछले एक महीने दो महीने में नहीं, लोकसभा चुनाव के समय से ही हम लोग की आपस में ये बातचीत चल रही है। एक जो आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग को लेकर है, क्योंकि जितना मैं नीतीश जी को जानता हूं और जितनी बात मेरी उनसे होती रही है उसमें नीतीश जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि गांधी, जेपी और लोहिया, इन तीन को और इनकी बताई हुई बातों को हम नहीं छोड़ सकते। मेरे मन में ये जो दुविधा रही है कि आप जब पूरे बिहार में गांधी जी के बताए हुए बातों को लेकर शिलापट लगवा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को गांधी के विचारों से अवगत करा रहे हैं, उस समय में गोडसे के साथ खड़े हुए लोग या गोडसे की विचारधारा को सहमति देने वाले लोग उनके साथ भी कैसे खड़े हो सकते हैं? दोनों बात तो नहीं हो सकती, इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर आप भाजपा के साथ रहना चाहते हैं हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों बात नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर मेरे और नीतीश जी में लगातार विचार चलता रहा है। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, तो पहला जो हम लोगों के बीच के मतभेद का विषय रहा है वो ये रहा है कि गांधी और गोडसे दोनों साथ में हम लोग नहीं चल सकते हैं। पार्टी के लीडर के तौर पर, पार्टी के तौर पर आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग किस साइड खड़े हैं। दूसरी जो वजह रही है विवाद की या मतभेद की, वो रही है जदयू की और नीतीश कुमार जी की गठबंधन में पोजिशनिंग को लेकर। अब ये सब आप जानते हैं कि भाजपा के साथ नीतीश जी का कोई पहला संबंध नहीं है, कोई नया संबंध नहीं है, पिछले 15 साल से साथ में हैं और ये बात मुझे भी मालूम थी। फिर क्यों ज्वाइन किया पार्टी? क्योंकि जिस भाजपा के साथ जिस तरह नीतीश जी रहे हैं 2004 के बाद से और आज जिस तरह से हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरे लिए नीतीश कुमार, 2014 के नीतीश कुमार, धूल धूसरित, चुनाव हारे हुए दो एमपी के नेता, उनका ज्यादा सम्मान है, बिहार की वो शान थे। आज 16 एमपी लेकर जब वो किसी गुजरात के लीडर उनको बताते हैं कि आप ही लीडर बने रहिएगा, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री यहाँ के 10 करोड़ लोगों का नेता है, उनका सम्मान है, उनकी शान है, उनकी आन है। वो कोई मैनेजर नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी का नेता उसको डिप्यूट करे कि ये हमारे नेता होंगे। वो अधिकार और एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता का है और हम लोग वो नेता चाहते हैं जो सशक्त हो,
और समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध बिहार के लिए अपनी बात कहने में